नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि गर्भवती महिला को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि उनको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। गर्भवती महिला को सीधे नहीं सोना चाहिए, करवट ले करके सोना चाहिए। अगर गर्भवती महिला सीधे सोएगी तो उसका बच्चा जो है तो सीने तक आ सकता है, क्योंकि बच्चा मूवमन करता रहता है। आप करवट बदल बदल कर सोइए और लेटिए, और नहीं तो अगर सीधे लेटेंगी तो बच्चा सीने तक आ जाएगा तो उसका बहुत भारी अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। गर्भवती महिला को 8 घंटे नींद लेना भरपूर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और करवट सीधा नहीं लेटे। मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि करवट बदलते रहें और करवट ही सोइए। आप भारी चीज़ों को उठाने से दूर रहें, जैसे सिलेंडर है लगाना है आपको तो दूसरों से लगवाइए घर वालों से, और जैसे कपड़े मशीन में धुल रही हैं बोझ, वो पानी से ज़्यादा ही वो मतलब वजन हो जाता है कपड़ों का, तो आप वो कपड़े भी मत निकालिए, दूसरों से निकलवाइए कपड़े। और आपको समझदारी से काम लेना है, अगर ज़्यादा वजन वाली चीज़ है तो आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, और आपको ज़्यादा झुकना नहीं है कि जैसे आप पोंछा ओछा लगाने लगो तो वो आपको कार्य नहीं करना है, जो ज़्यादा झुकने वाला कार्य है वो आपको नहीं करना है। गर्भवती महिला को चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं और इन चीज़ों में कैफीन पाई जाती है। गर्भवती महिला को खाने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसके लिए गर्भवती महिला को 1/2 लीटर दूध पीना चाहिए। गर्भवती महिला को घी का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, दूध की मलाई निकाल करके उसको दूध पीना चाहिए। जो भी नेचुरल चीज़ें बॉडी में होती हैं उन्हें गर्भवती महिला को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, ये चीज़ें रोकने से बच्चे को दुष्प्रभाव पड़ता है। और प्रेगनेंसी में महिला को क्रोध नहीं करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, रामायण पढ़ो और अच्छे अच्छे पोस्टर बच्चे के लगाओ, भगवान के लगाओ, और अच्छी अच्छी खुश रहना चाहिए हमेशा, तो बच्चे का जो होगा बच्चा तो वो रोने वाला नहीं होगा और बहुत ही स्वस्थ होगा, बहुत ही ज्ञान विचार वाला होगा। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है कि घर में अपने लड़ाई नहीं करना है, नहीं बच्चे को बहुत दुष्परिणाम पड़ते हैं। और प्रेगनेंसी महिला को ऊंचे नीचे रास्ते नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ गया, पैर फिसल गया तो बच्चे को बहुत ही दुष्परिणाम मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि है कि बच्चे को आप खो भी सकते हैं। और डार्क कलर के कपड़े ना पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने। और आपको ज़्यादा तेज़ सांस नहीं लेनी है, ज़्यादा जल्दी वाला काम नहीं करना है कि आपकी सांस फूलने लगे। गर्भवती महिला को कभी उपवास व्रत नहीं रखना चाहिए, अगर आप व्रत रखेंगी तो बच्चे को वो पोषण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो पोषण मिलना बच्चे को बहुत ही ज़रूरी है। गर्भवती महिला को जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, वैसे तो ताज़ा पानी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा सर्दी अगर पड़ रही है तो पानी को हल्का सा गर्म कर लें और गुनगुने पानी से नहाएं। गर्मियों में आप बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, अगर शरीर में पानी नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कत बढ़ सकती है। गर्मियों में अगर हो सके तो 1 नारियल पानी ज़रूर पिएं। ऐसी अच्छी बातें जानने के लिए हमारे चैनल गीता रसोई को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।